दोस्तों नमस्कार। हम सब ये बात तो जानते हैं कि कैसे वासुदेव श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पे उठाकर पूरे गोकुल वासियों को इंद्रदेव के प्रकोप से बचाए थे। बाकी क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण से पहले भी उनकी एक भक्त ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था। दोस्तों दरअसल त्रेता युग में लंका पर चढ़ाई करने हेतु तो समुद्र पर सेतु का निर्माण कार्य पूरे वेग से चल रहा था। असंख्य वानर सेना जय श्री राम की गर्जनों के साथ बड़े बड़े पत्थर लेकर सेतु निर्माण में जुटे थे। हनुमान जी भी उड़ान भर भर के विशाल पर्वतों को श्री राम सेतु के लिए जुटा रहे थे। हनुमान जी गोवर्धन पर्वत को लाने के लिए जाते हैं, बाकी अपनी पूरी शक्ति लगाने के बावजूद जब गोवर्धन पर्वत को हिला भी नहीं पाते, तब हनुमान जी विनय पूर्वक गोवर्धन पर्वत को कहा, गिरिराज मैं आपको प्रभु चरण में पहुंचाना चाहता हूँ, फिर आप क्यों नहीं चलते? वहाँ आप प्रभु की मंगल मूर्ति के दर्शन करेंगे और प्रभु आप पर अपने चरण कमल रखते हुए सागर पार करके लंका में जाएंगे। ये सुनकर गोवर्धन आनंदमग्न हुए और बोले, पवन कुमार दया करके मुझे शीघ्र प्रभु के पास ले चले। अब तो हनुमान जी ने उन्हें अत्यंत सरलता से उठा लिया। तभी पांचवें दिन 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा सेतु का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया। फिर क्या था, तुरंत श्री राम जी ने आज्ञा की, सेतु का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है, अतः अब शिलाखंड की आवश्यकता नहीं है। जिनके हाथ में जो भी शिलाखंड जहाँ कहीं है वो उन्हें वहीं छोड़कर तुरंत मेरे समीप पहुँच जाए। जिनके हाथ में जो पर्वत या शिलाखंड थे वो उन्हें वहीं छोड़कर प्रभु के समीप दौड़ चले। गिरिराज गोवर्धन को अपने हाथ में लिए केसरी नंदन उस समय ब्रज भूमि तक पहुँचे ही थे कि उन्हें प्रभु की आज्ञा सुनी। हनुमान जी ने गोवर्धन को तुरंत वहीं रख दिया, किंतु उन्हें अपने वचन का ध्यान था। उसी समय उन्होंने देखा गोवर्धन अत्यंत उदास होकर उनकी ओर आशा भरे नेत्रों से देख रहे हैं। हनुमान जी बोले, आप चिंता मत कीजिए, मेरे स्वामी मेरे वचनों की रक्षा अवश्य करेंगे, और वो सीधे प्रभु की ओर उड़ चले। हनुमान श्री राम जी के समीप पहुंचे और कहा, प्रभु मैंने गोवर्धन को आपके दर्शन का वचन दे दिया था, किंतु आपका आदेश प्राप्त होते ही मैंने उन्हें ब्रजभूमि में रख दिया है, वह अत्यंत उदास हो गए हैं। श्री राम जी बोले, प्रिय हनुमान तुम्हारा वचन मेरा ही वचन है, गोवर्धन को मेरी प्राप्ति अवश्य होगी। तुम उनसे कह दो कि जब मैं द्वापर में ब्रज धरा पर श्री कृष्ण रूप में अवतरित होंगे तब उन्हें मेरे दर्शन अवश्य होंगे। साथ ही अनवरत 7 दिनों तक मैं उन्हें अपनी उंगली पर धारण भी किए रहूंगा। गोवर्धन के पास पहुंचकर हनुमान जी गोवर्धन को भगवान का वचन यथावत सुनाया, जिससे गिरिराज आनंदमग्न हो गए। दोस्तों फिर द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण इंद्रदेव के प्रकोप से गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर ब्रजवासियों को रक्षा किए थे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में जय श्री कृष्ण लिखना मत भूलना, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नमस्कार।